भवानी मंडी में किसान संघ का प्रदर्शन, कहा फसल पककर तैयार लेकिन कटौती से हो रही चिंता, 8 घंटे सप्लाई देने की मांग। नमस्कार, देखिए किसानों की विशेष खबर। भवानी मंडी में भारतीय किसान संघ की ओर से सहायक अभियंता कार्यक्रम के आगे प्रदर्शन किया गया। पंचपाड़ तहसील में हो रही बिजली कटौती को लेकर किसानों ने जमकर आक्रोश जताया। संघ के तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह मोयाखेड़ा की अध्यक्षता किसानों ने विभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान जिला मंत्री मुकेश मेहर ने कहा कि क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से अघोषित बिजली कटौती से किसान काफी चिंतित थे। इस समय फसल पककर तैयार है लेकिन बिजली कटौती से अब किसान चिंतित थे। जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर ने कहा कि विद्युत विभाग आगामी 2 दिनों के अंदर किसानों को दिन में सुबह 6 बजे से 12 बजे और 12 से शाम 6 बजे तक बिजली दी जाए, क्योंकि वर्तमान समय में सर्दी की वजह से विभाग के द्वारा रात में बिजली दी जा रही है, जिससे किसानों के साथ समस्या उत्पन्न हो रही है। इस गंभीर समस्या की ओर शासन प्रशासन ध्यान देकर किसानों को राहत दी जाए। तहसील प्रचार प्रमुख शंभू सिंह मोयाखेड़ा ने कहा कि यदि 2 दिनों के अंदर बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ तहसील पंचपाड़ के द्वारा विभाग के सामने क्षेत्र के 144 गांव हजारों किसान महापड़ाव डालेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी बिजली विभाग की रहेगी। पिपलिया चौराया तहसील अध्यक्ष कन्हैयालाल नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बिजली विभाग के द्वारा अघोषित बिजली से किसानों के सामने गंभीर समस्या पैदा कर रहा है, जो क्षेत्र का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान प्रताप सिंह तहसील उपाध्यक्ष, युवा प्रमुख गोविंद सिंह, नरेंद्र सिंह, बाल किशन पाटीदार, गौरी शंकर पाटीदार, दुल्हे चंद, नेपाल सिंह, महेंद्र सिंह, भवानी शंकर पाटीदार, भरत पाटीदार और सभी किसान मौजूद रहे। किसान संबंधित खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।